अभी एक व्लॉग एडिट करके खत्म किया तो दूसरा कर दिया स्टार्ट, ट्रैफिक में ही तुम्हारे भाई ने एडिट कर दिया और इसी वजह से मेरे व्लॉग बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड हो जाते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने किसी का नंबर लीक कर दिया, उससे पहले किसी लड़की का नाम लीक हो गया तो भाई सॉरी उन सबके लिए। और अगर किसी का नंबर लीक हो जाए तो उसको फोन वन करके तंग मत करा करो, किसी का नाम हो जाए तो वो नाम ज्यादा मत बोला करो, बाकी तुम का रुकोगे, मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरे जैसे ही होगा ना, चुल तो पूरी लोगे। बाकी कोई नहीं, अब देखते हैं आज क्या करते हैं। अभी मेरे को जिम जाना है, मेरे को कुछ खाना है, मैंने सुबह से खाली ओटमील खा रखी है, काम पे गया होता एक काम करके आया हूँ। तो तुम कहोगे तू क्या काम करता भाई, तू तो बस वीडियो बनाता है, बट मेरी लाइफ में बहुत काम होते हैं जो मैं बताता नहीं हूँ, बट करने पड़ते हैं वो। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम व्लॉग बना रहे हैं, साथ में गाड़ी चला रहे हैं। तो कोई ट्विटर पे केस मत डाल देना मेरे पे, बहन एक बार मैं ट्रिपलिंग कर रहा स्कूटी में, किसी बंदे ने इतना वेला बहन दिल्ली पुलिस को टैग करके डाला हुआ ट्रिपलिंग कर रहा है, इसको क्या हो जाएगा भाई, मेरे को जेल हो जाएगी, अंदर डाल देंगे या उससे तेरे को सुकून मिल जाएगा। साल वो कितना सड़ते हो, हद होती है एक संडे की, सड़ना तो मेरे जैसे सड़ो जैसे मैं उसके दोस्तों से सड़ता हूँ, ये क्या सड़ना होता है। बाकी चलो एक मिनट हो गया, बाकी आगे के दो मिनट दिखाते हैं क्या होता है, क्योंकि कल का किसी को कुछ नहीं पता गाइस, ओवर थिंकिंग ऐसी होती है ना, बता नहीं सकता तुम्हें अकेले बैठ के, इसलिए मैं अकेले नहीं बैठता, हमेशा मेरे साथ वो होती है ये बैठी। टाइम से वर्कआउट आया नहीं है ना, मतलब बंदे मिस करते हैं, कहते हैं भाई वर्कआउट नहीं दिखाते, वर्कआउट नहीं दिखाते, बंदीबाजी में रह गया ना तू, बंदीबाजी नहीं होती भाई, भाई प्यार प्यार बाजी भी नहीं होती, वर्कआउट मैं करता हूँ बढ़िया करता हूँ, पर मैं रिकॉर्ड नहीं करता उस टाइम, क्योंकि अकेले वर्कआउट कर रहा होता हूँ, कोई रिकॉर्ड करने वाला होता नहीं, तो रिकॉर्ड करने वाली नहीं होती पूरी लाइन को लगाकर, रिकॉर्ड करता हूँ बट इंस्टा के लिए एक आधी स्टोरी डाल देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ढंग से समझाना पड़ता है, फिर जोन से बाहर आना पड़ता है। और अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा वर्कआउट तभी बढ़िया होगा अगर तुम जोन में हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, जिम में वो चूतिया लगते हैं ना, हैं हैं हंसी मजाक करते रहते हैं, ढाई तीन साल हो गए बॉडी में फर्क ही नहीं आ रहा था इसके जैसे, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये जोन में रह के वर्कआउट नहीं करते, ये वर्कआउट करेगा एक सेट करेगा उसके बाद बातें मारने जाएगा हंसी मजाक करेगा, अगर तुमने वो सब करना तुम्हारी बॉडी नहीं बन सकती। जिम में तुम किसी से दोस्ती बनाने नहीं जा रहे, कुछ करने नहीं जा रहे, हाँ सोशलाइजिंग होती है, वो एक घंटे बाद कर लो या एक घंटे पहले कर लो, आधे घंटे बाद कर लो, आधे घंटे पहले कर लो, बट अपने आपको मिनिमम 45 मिनट तो ऐसे दो तुम किसी से बात नहीं कर रहे, हेडफोन लगे हुए हैं, अपने जोन में हो, कोई तुमसे बात भी कर रहा करके अपना वर्कआउट कर रहे हो, तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी, तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आज मारते हो शोल्डर, टाइम हो रहा है 1:30 बज रही है, एक मील ले रखी है, ओट मील खाई हुई है, और उसके बाद अब प्री पीऊंगा, बढ़िया सा वर्कआउट करूंगा, ये बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट करने का। तो अब एक हफ्ता तो ऐसे ही करूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत कंटेंट शूट भी करना है ब्रांड का, और वो कर नहीं पाया, रील्स वगैरह वो भी शूट करनी है। तो चलो चलते हैं जिम में, और आज 90 किलो से शोल्डर प्रेस मारूंगा रोड से, ये वाले टाइम में लोगों ने देखा नहीं है मेरे को, तो आतंक मचा दूं जाके। चलो प्री भी हो और याद करो उसको जो तुम्हें ऐसा बना दिया नम, फिर मेरे को तो कोई बना के नहीं गई, मैंने बहुतों को बनाया। सो गाइस ये देखो ये सेटअप कर रहा है हमने ओवरहेड प्रेस का, और इधर 40 का डंबल है, तो उससे मेरे 10-12 रैप आ जाते हैं, बट मेरे को फेलियर ऐसा लेना जिससे 6 रैप आए, तो इसलिए रोड पे मार रहे हैं आज। सेम ये हल्के से इंक्लाइन करके रखते हैं, क्योंकि इस पर बढ़िया शोल्डर अच्छे फील होते हैं, वो होता है ना तो बैक पे दर्द होता है यूँ करके, तो काफ़ी बंदे पूछते हैं यूँ मारते हो, तो अगर आपको ऐसे फील आ रहा है ऐसे मार लो, ऐसे आ रहा है वैसे मार लो, इस पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर पाते हैं। ये भी अभी 2-3 वॉर्म अप सेट लूँगा, 10-20-30 तक वॉर्म अप, फिर 35 से वर्किंग सेट लूँगा, पूरी। तो भाई ये 15-15-20-80 किलो, ये देख के पता लगेगा कि 90 कैसा आएगा। कैसा आएगा, कैसा आएगा, आ जाएगा। तो भाई 4 रैप आए अपने, क्या कहते हैं 90 किलो से, अब 10 किलो कम कर दिया है, 3 सेट लूँगा जिसमें थोड़ा वॉल्यूम वर्क हो जाएगा, 8-10 रैप। मेरी ट्रेनिंग ऐसे रहती है, पहला सेट मेरा मेन हैवी रहता है, उसके बाद हल्का सा वेट कम करके 3 सेट लेता हूँ, मैं वो नहीं करता जो सब बंदे करते हैं, जैसे 15 रैप मारे फिर 12 रैप मारे, उससे ना हैवी नहीं जा पाते पहले सेट में मेन सेट में, क्योंकि वो पहले ही भर जाता है मसल। तो ये मेरी टेक्निक है, अगर आपको भी करनी है ऐसे करके देख लेना, बट वार्म अप अच्छे से करना है इसके लिए।
तो भाई अब पूरा वर्कआउट तुम्हें याद दिख जाएगा, मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ और तुम भी ये फॉलो कर लेना। अब जोन में आम दो थोड़ा, क्योंकि अब रेस्ट कम होगा, हैवी हो गई है मेन। तो भाई अब हो गया पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम और खाएंगे शकरकंदी। बाकी तुम्हें अगर इसकी फोटो रील कुछ भी कहीं भी दिखे इंस्टा पे तो एक ही कमेंट करना कि भाई कुछ खाया पिया कर, ठीक है? तो ये कुछ नहीं खाता है, इसका दो ढाई साल से ऐसे का ऐसा शरीर है, तो कहीं भी दिखे इस पे कमेंट स्पैम मार दो, कुछ खा पी कुछ खा पी। वो बंदे गाली देंगे, इसने इसका नाम बदनाम कर रखा है। सुबह वर्कआउट हो गया था और बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ है। खाली जिम मिला तुम्हें पता है फिर कैसे जोन में। लैला कैसा हुआ था वर्कआउट बता? एक नंबर भाई, यहाँ तू तो बोलेगा ही। बाकी मजा आ गया वर्कआउट करके। तो अब वर्कआउट कर लिया, बहुत बंदे क्या करते हैं वर्कआउट करने के बाद डाइट वगैरह पे फोकस नहीं। तुम्हारा भाई पहले गया शेव करवाई, और जो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए चीज यूज करी वो क्या था, गाड़ी में मेरे पड़ा होता है वे प्रोटीन आइसोलेट एटम का। ये वो वाला प्रोटीन है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एटम का। तो अगर आपको बढ़िया प्रोटीन यूज करना है कोई आइसोलेट अच्छी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में, तो एटम का वे प्रोटीन आइसोलेट ले लेना। जो बाहर के प्रोटीन होते हैं उनसे बहुत ही सस्ता पड़ेगा और उनसे क्वालिटी आपको बहुत ही हाई मिलेगी, क्योंकि जो आप वो लेते हो वो वे कॉन्सेंट्रेट होते हैं ना, शायद वो वे कॉन्सेंट्रेट होते हैं सारे, और इतनी हाई क्वालिटी नहीं मिलती आपको। इसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 6.1 ग्राम बी सी डबल ए और 13 ग्राम ई डबल ए, 35 ग्राम की सर्विंग है, उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो आप देख लो कि कितनी अच्छी आपको वो मिल रही है, जो वैल्यू होती है परसेंटेज के हिसाब से पर सर्व कितना अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। टेस्ट की बात करो तो भाई एक ही नंबर, एक नंबर टेस्ट है मैंगो। इसको आप ओट्स में बनाओगे वैसे पियोगे, ये ऐसा प्रोटीन है जो मैं चम्मच से खोलता हूँ तो भी हो जाता है। एटम्स के जो प्रोडक्ट है सारे थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है। जितना प्रोटीन आपको अगर 30 ग्राम इसमें लिखा हुआ है तो 30 ही मिलेगा, 29 भी नहीं मिल सकता, ठीक है? अरे क्लेम भी करते 200% पैसे वापस देंगे। और बाकी दूसरी बात, अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ तो मैं भाई समझ के करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता कि मैं अगर इस कंपनी का स्पॉन्सर हूँ तो बोलूँ कि ये खा लो वालो। बाकी तू भी बता, यही मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ, मैंने पर्सनली ट्रांसफॉर्म किया है इसी प्रोटीन से, तो जेन्युइन है। और अगर आपको मैं ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा दूंगा इसकी, तू मेरे को स्क्रीनशॉट दे दियो। मेरे भाई का कूपन कोड आरुष एज इट इज लगाना है, दिन की एक स्कूप लो, दो स्कूप लो, जितनी भी लेनी है लो, बढ़िया अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, बॉडी बनाते फिरो और शाम करते रहो, एंजॉय करते रहो। फटाफट नीचे लिंक होगा वहां से खरीद लेना। अब बढ़ते हैं आगे, आज देखते हैं क्या सीन है। बहुत टाइम से वो बंदा शायद वहां जा रहे हैं, तो जो भी है चलो देखते हैं भाई। मम्मी अभी तुमने मेरी इंस्टाग्राम का स्टोरी देखी लड़की के साथ? हाँ, वो तुम्हारी बहू है। बहू है क्यों, सही नहीं लगी? मैं अपने ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है भाई? सॉरी, वो मेरी बहन है और वो सच में सोचती है बस। क्यों, बाय मम्मी, अब मिलेंगे हम कल। क्यों, आज जा रहा हूँ कहीं, जिसकी स्टोरी डाली उसके बर्थडे पार्टी पे। तो पागल तो नहीं है मम्मी? क्या हो गया यार, लड़कों की जाता हूँ लड़की की भी तो जाना पड़ता है बर्थडे पार्टी पे। पहले डैडी की बात तो सुन ले। क्या नहीं लेना वो? हाँ। भाई तेरा उनके खिलाफ क्या कहना है, जो लड़कियाँ लड़कों पे झूठे इल्जाम लगाती है? कोई किसी का इतना बुरा ना करे, जिससे बीतती है उसकी मदद करती है। ये लैला को मैं समझाता हूँ, ट्राइसेप समझा रहा हूँ अपना। ट्राइसेप कहाँ है? एंट्री हो जाती है भाई, ठीक है ना? दो एंट्री हो जाती है, ऐसे करी है तो बहन के नशेड़ी शर्म कर ले तेरी बहन। सो गाइस, ऐसे नहीं करी। अबे नशेड़ी क्या बोल रहा? अबे भाई रियल हो, रियल रियल लाओ, बैठ लोगे? वो बदबू नहीं आती कैमरे में, शुगर का भर रहा भपका मारे बंदे, जा कर ये बदबू नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ तू, मैं मनमन च रहला थे, मैं कह रहा हूँ मैं आरुष वरुण और लैला थे, कमेंट कर मैगी भाई सुधर जा, मजा दिलवाता ना ये ले जा इसके बाद जल्दी। ओए गिट्टू से डराता है ना तेरे, अब उसको कहाँ पकड़ लिया, उसको तो छोड़ दे। ओए इधर ले गया, ओए इधर काट लेगा, ऐसे काट लेगा, अजय वीडियो बनाइयो, ऐसे काट लेगा, बुझा इधर आ, बुझा बुझा बुझा, उस पागल है चूतिया, बुझा इधर ले, इधर ले, ले 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 पकड़ के जल्दी पकड़ यार।
मेरे मार गया उसको कब गई मजाक था गाइस बेचारा रोज रात को भागता बस कर दे गाइस ये वो शरीफ कुत्ता किसी को काटता नहीं है तभी मजे ले रहा हूँ नीचे वो मत फुलाना है अब कहोगे जानवर का भरोसा नहीं होता तो इंसानों का नहीं होता जानवर का होता है क्या चाहिए चाबी अरे ये ले ओए गटर में गई ओ गटर आ जा इधर आ मैं आए जी पीछे से ही पकड़ पीछे से ही लगाई थी चलो 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 अरे मजाक क्यों नहीं बर्दाश्त करता ये देखो गाइस जूजो की देन ये देखो दूसरी कुत्ती की देन हथौड़ा पापी मगाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी थी।